बहुत ध्यान दें महाराज, बच्चे अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं और विशेष एग्जाम है, कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है या कोई चीज की पढ़ाई कर रहा है, आप लोगों ने टीवी पर कथा सुनी होगी तो आपको मालूम होगा भी उज्जैन में और इंदौर में जब कथा हुई, दीदी भी आए थे उज्जैन कथा में 84 महादेव में, तो वहां एक बच्चा एग्जाम में बैठा था और वो बच्चे का एग्जाम देने के बाद में जो रिजल्ट आया है वो सीए की पढ़ाई में भी अव्वल निकल गया। शिवजी को जो बेलपत्र समर्पित करी जाती है उस बेलपत्र का भी भाग स्थापित है। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरे साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा।